कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड और इसकी पिक्चर भी बहुत ब्राइट है. देखिए, दिस इज द कार्ड ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल. आर्कएंजल्स के कार्ड तो अपने आप में बहुत ही एनलाइटन करते हैं, और ये आ रहा है आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड. तो आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड हमें क्या बताता है? आर्कएंजल गैब्रियल एक बहुत ही डिवाइन मैसेंजर है. इनको माना जाता है दैट ही इज अ गुड आर्कएंजल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये अपने साथ अपने ट्रम्पेट और स्क्रोल को लाते हैं, और दो स्पैरोज होते हैं इनके आसपास. बहुत ही पीसफुल रहते हैं, और ही इज नोन एज द गॉड ऑफ कम्युनिकेशन. ये सेक्रेट वर्ड्स लेकर आते हैं अपने साथ और आप तक पहुंचाते हैं. अगर ये कार्ड आपके पास आता है अपराइट में, तो इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आर्कएंजल आपके आसपास प्रेजेंट है, और आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल जहां भी होते हैं वहां पे कम्युनिकेशन एनहांस करता ही करता है. आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो जाता है. अब ये कम्युनिकेशन किस वे में हो सकता है? कम्युनिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिशिंग, टीचिंग, मीडियमशिप, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, रेडियो या टेलीविजन. तो आप इनमें से किसी भी चीज को प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और अगर कभी आपको लगे कि आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करना है, तो दैट इज वेरी सिंपल. यू कैन प्रे एंड यू कैन इन्वोक आर्कएंजल गैब्रियल टू असिस्ट यू इन कम्युनिकेशन, स्पेशली जब आप रीडिंग्स करेंगे, बिकॉज दिस विल बी प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में, कि हम आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करेंगे. और उन्हें इन्वोक क्यों करेंगे? अब हम अगर किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? एक फ्लॉलेस कम्युनिकेशन भी चाहिए. सो वी आर गोइंग टू इन्वोक आर्कएंजल गैब्रियल कि आप हमें हेल्प करें कि हम फ्लॉलेसली कम्युनिकेट कर पाए, सामने वाले को हम जेन्युइनली रीड करके हर चीज बता पाए. अब अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए, तो क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली. देखिए, रिवर्स में क्या हो रहा है कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप अपने वर्ड्स जो हैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, या नेगेटिव वर्ड्स भर रहे हैं. तो आर्कएंजल गैब्रियल एक बहुत पावरफुल फोर्स है, जो आपके जीवन में प्यार लेके आएंगे, करेज लेके आएंगे, और आप इन तक इजिली पहुंच सकते हैं. ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है, तो इसका मतलब आर्कएंजल गैब्रियल आपसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि आपकी सोल उन्हें पहचानती है. तो आपके लिए मुश्किल नहीं है उनसे कनेक्ट करना, थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर रखना है. तो दिस एंजल हैज बीन अ फ्रेंड फॉर योर सोल, और इस चीज को आप झुटला नहीं सकते. जो थोड़ा बहुत टाइम है कंफ्यूजन का, उसे मिटाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हम इन्हें बुलाएंगे. आप कोई भी साफ जगह देख के, आप चाहे तो आप ये कार्ड भी रख सकते हैं वहां पर, एक छोटी सी कैंडल जलाए, या कुछ भी आप फ्रेग्रेंस वाला रख ले, कोई एसेंशियल ऑयल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, व्हाटएवर, और फिर आप इन्हें इन्वोक करें. एंड ट्रस्ट मी, आर्कएंजल गैब्रियल हेल्प करने हमेशा आते हैं. आपको खुद साइंस मिल जाएंगे वेर इन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इजिली. और फिर आप इस कार्ड पे भी हाथ रख के मेडिटेट करके इजिली उन्हें फील कर सकते हैं. आपके पास शब्दों की कमी कभी नहीं होगी. रिमेम्बर दिस.
देन देर इज अनदर कार्ड